गुड इवनिंग प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पठान फिल्म ने फिल्म आपने देखी थी और पिक्चर भी बहुत अच्छी चल रही, क्या कहेंगे? बॉक्स ऑफिस तो वापस से एकदम बोलते ना सतरंगी हो गया, क्या कहेंगे? बॉलीवुड इज बैक, ऐसा मैं बोलती हूँ। बॉलीवुड इज बैक, मतलब यही तो चाहिए था, यही दिन हमें चाहिए थे। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, फाइनली अच्छे दिन आ गए हैं। इसी के लिए कहा था, इसी के लिए कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। करण अर्जुन भी आए एंड बॉलीवुड को साथ में भी लेकर आ गए, देखो ऊपर। तो बहुत खुशी हो रही है कलेक्शन को देख के एंड इतिहास पे पहली बार ऐसा हो कि 2 दिन में 100 करोड़ मूवी पार कर गई है। अच्छा ये बताइएगा, पहले दिन 55 करोड़ आया था हिंदी मार्केट में, 57 करोड़ पूरा इंडिया का, और दूसरे दिन पूरा इंडिया का 70 करोड़ कलेक्शन आया। 70 करोड़, क्या सोचा था बम्पर ओपनिंग? मैंने 50 करोड़ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था और इसमें 70 करोड़ आ गए, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है पूरी टीम को, स्पेशली सिद्धार्थ आनंद सर, उनकी ही मेहनत थी। उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई तब जाके पब्लिक को इतनी पसंद आई है, तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो उनको ही जाता है, फिर सेकेंडली SRK सर को जाता है। और बहुत लोग इसका क्रेडिट कह रहे कि सलमान खान नहीं होती तो आधा बज होता, ऐसा कुछ क्या लगता है? नहीं, ऐसा हो गया कि सलमान खान सर का कैमियो से ना पब्लिक एक्साइटेड हो गई, कह रही यार कैमियो है तो मतलब कैसा रोल होगा, बिकॉज ऑलरेडी अफवाह तो आ गई थी। तो जब ही आई है पब्लिक देखने के लिए तो सबसे पहले तो उनका वेट किया है कि कब आएगा, लेकिन इंटरवल के बाद जब वो आते हैं ना पब्लिक पागल हो गई है देख के, तो वो एक डबल क्रेज हो गया है मूवी के लिए। और ये बताइएगा, पहले दिन 106 करोड़, दूसरे दिन 113 करोड़ के ऊपर, 2 दिन में मिलाकर 220 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, दोनों दिन में सेंचुरी मारी है, ये क्या? ये तो उम्मीद नहीं थी, ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड वाइड ऐसा कलेक्शन आएगा, बिल्कुल नहीं सोचा था। 100 करोड़ के एक्सपेक्ट देखिए, चलो 100 करोड़ हो सकता है, बट 200 करोड़ के ऊपर पार करना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस ऐसे ही पठान का सिलसिला चलता रहे। जैसे पठान ने कहा था कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला, मौसम बिगाड़ दिया उन्होंने, जो कहा करके दिखा, वो कहा वो करके दिखा। उन्होंने कहा पठान जिंदा है, तो देखो जिंदा ही है, पता चल गया कि ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड, ये हमें प्रूव हो गया। तो क्या लगता है इसके बाद सिलसिला बॉलीवुड का यूं चलता रहेगा, ये शाहरुख खान की साल जाएगा, जवान दुमकी भी है अभी लाइन में, शाहरुख खान सर की देखो मूवी चलेगी, पठान चल गई तो जवान तो सुपर डुपर हिट होगी, वो तो इससे भी डबल चलेगी। मैं तो राजकुमार हिरानी की फिल्म है, ऑफकोर्स ऑफकोर्स दुमकी, राजकुमार हिरानी सर जब भी लाते हैं एक प्रॉपर सोशल मैसेज देके जाते हैं, तो उनकी मूवी तो ऑल टाइम फेवरेट रहती है जब भी वो बनाते हैं, तो वो एक हम वेट, वो तो साल के एंड में आएगी, लेकिन उससे पहले जवान के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वो एक अलग ही क्रेज़ है जवान का। एंड पठान के बारे में बोलूँ तो पठान ने तो बोलते ना अच्छे अच्छों की छुट्टी कर दी है, मैं तो बोलूँ बॉयकॉट गैंग दिख नहीं रहे, उनको पहले ढूंढ के लाओ, मुझे उनको थैंक यू बोलना है, अगर वो बॉयकॉट नहीं करते, पोस्टर नहीं फाड़ते, तो पता ही नहीं चलता लोगों के ये पठान नाम की कोई मूवी आ रही है। अच्छा मुझे, मैं सवाल भी यही था बॉयकॉट को लेकर, कि बॉयकॉट बॉलीवुड वालों की क्या नौकरी खत्म हो गई क्या, चली गई क्या? 2 साल से बहुत हावी थे पठान, आ गए ना देश को बचाने आए, तो फिर वो जैसे बोले ना दुश्मन के छोड़ के चले जाते देश, वैसे बॉयकॉट गैंग चले गए। अब मुझे नहीं लग रहा कि वो बॉयकॉट करने की कोशिश करेगी, अब कितना भी बॉयकॉट करो अब कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा ऐसा क्रेज, ऐसा हाउसफुल रिस्पॉन्स आपने देखा था किसी फिल्म का? मैंने सिर्फ साउथ की, जो बॉलीवुड का तो नहीं, बट साउथ की मैंने KGF के बाद अगर पब्लिक को देखा तो उसके बाद मैंने ये पब्लिक, ये क्रेज मैंने देखा है। एंड पता नहीं क्यों आपने बोल दिया तो मेरे को याद आया कि KGF के साथ लोग बहुत कंपेयर कर रहे हैं पठान को कि KGF का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो मेरा सवाल है कि ये आप क्यों कर रहे हो? KGF का क्रेज़ अलग था, वो सीक्वल था, एंड यश सर का एक अलग था, साउथ सिनेमा की थी वो मूवी जो हिंदी में डब होके आई, तो उसको आप पठान के कलेक्शन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो ये बहुत ही गलत है, इसका मतलब यश सर की इंसल्ट कर रहे हो ना, तो ये आप गलत कर रहे हो, तो प्लीज़ ये मत करो। पठान के लिए हम खुश है, बेस्ट विशेज़ देते पठान की टीम को, एंड फैंस को ये बोलना चाहोगे कि देखो ऐसे ही पठान का सिलसिला चलता रहे, बट कि प्लीज़ किसी के साथ कंपेयर मत करो। हाँ आप ऐसा बोलो कि उनकी डायरेक्टर मूवी वॉर एंड बैंग बैंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसा बोलो, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है, बट किसी और इंडस्ट्री की मूवी के साथ कंपेयर मत करो। जाते जाते सवाल जरूर मैं पूछूंगा आपको, कल भी आपसे पूछा था मैं, 2 दिन में इस फिल्म ने 127 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में किया, 127 करोड़ 50 लाख जी, तो क्या लगता है ये 300 करोड़ तक का एक लंबी रेस में जा सकती है, क्रॉस कर सकती है? क्योंकि अभी आज देखो आज के शोज भी हाउसफुल है, फ्राइडे मैंने सोचा कि फ्राइडे के दिन भी हाउसफुल होगा, फ्राइडे का शो हाउसफुल है, एंड कल तो सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे तो और हरा भरा रहेगा, तो मैं तो बोलूँ कि 300 या 500 करोड़ भी पार हो जाए, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज पठान का जैसा क्रेज मैं देख रही हूँ ना, एंड ये सच है कि लोग बोलते ना टिकट्स के लिए पागल हो रहे हैं, काउंटर्स पे लिटरली आके बार बार पूछ रहे कि भाई टिकट है कि नहीं है, एंड ऐसा नहीं कि सिंगल आ रहे, पूरी 10 जन फैमिली को लेके आ रहे, मैंने तो कितनों को देखा 3-3 महीने के बच्चों को लेके आ रहे पिक्चर देखने के लिए, तो सोचो पठान का क्रेज़ कितना है।
तो ये तो बोलते ना बवाल ही मचा दिया है मैंने, मतलब वर्किंग डे पे हाउसफुल शो, ये तो अलग इमेजिन नहीं कर सकते, ये सिर्फ पठान ये SRK ही कर सकते कि मूवी को रिलीज करना हो तो ईद दिवाली और क्रिसमस की जरूरत नहीं है, नॉन वर्किंग डे पे आओ, देखो पिक्चर ने क्या हालत कर दी है लोगों की, बॉयकॉट गैंग की। बहुत शुक्रिया, बात करें, थैंक यू सो मच।